होगी पूर्वी और आरवी के प्यार की जीत रखेगी पूर्वी आरवी के लिए करवा चौथ का व्रत। कुमकुम भाग्य की आने वाली कहानी में दोस्तों फाइनली आने वाला है अब जबरदस्त ट्रैक, क्योंकि फाइनली अब आरवी और पूर्वी एक होते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, नेहा को एक्सपोज कर सबके सामने नेहा की पोल खोल कर आरवी जो है वो इनोसेंट प्रूफ हो जाएगा। पूर्वी अपने पति को फाइनली इनोसेंट प्रूफ कर ही देगी, जिसके बाद अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो आरवी को बेगुनाह साबित कर देगा और आरवी पर जो भी झूठे इल्जाम लगे हैं, जी हाँ यहाँ पर जो नेहा ने झूठा मोलेस्टेशन केस किया होता है आरवी पर, वो झूठा यानी कि गलत साबित हो जाएगा और फाइनली यहाँ आरवी सबके सामने बेगुनाह हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर पूर्वी के विश्वास की जीत होगी। जी हाँ, यहाँ पर सब लोग जो है पूर्वी की तारीफ करेंगे। तो वही अब भाई मनाई जाने वाली है करवा चौथ की रस्म। जी हाँ, करवा चौथ स्पेशल जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि आरवी और पूर्वी नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि भाई आरवी पूर्वी से प्यार जो करने लग गया है और इसीलिए वो अपनी पूर्वी के लिए अब सबसे लड़ता नजर आएगा। जो भी पूर्वी के खिलाफ कुछ भी कहेगा उसे आरवी छोड़ेगा नहीं। जहां मोनिशा जो है आरवी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए फिर से नई साजिशें करेंगी, तो वहीं पूर्वी यहां पर आरवी को अपने पास ही रखेगी। तो वहीं आरवी भी अब वार्निंग देने वाला है मोनिशा को कि उसकी पत्नी है पूर्वी, तो अब उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है और ना ही वो कभी आ भी सकती है उसकी लाइफ में वापस। तो दोस्तों अब यहां पर फाइनली आरवी और पूर्वी का नया सफर शुरू होगा, जहां आरवी के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी उसकी पत्नी पूर्वी, जहां मोनिशा इस व्रत को भी खराब करने की प्लानिंग करती हुई नजर आएगी और जानबूझकर पूर्वी का व्रत खराब करवाएगी। लेकिन यहां पर आरवी जो है वो अपनी पूर्वी का साथ देगा और यहां पर मोनिशा के हर एक प्लान को वो खराब करता हुआ नजर आएगा, जहां फाइनली पूर्वी के करवा चौथ के व्रत को खोलेगा आरवी और ये देखती ही रह जाएगी मोनिशा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो रहे देखने के लिए आने वाला धमाकेदार एपिसोड, और क्या आप भी चाहते हैं कि आरवी और पूर्वी एक साथ ही रहे और ये करवा चौथ का व्रत आरवी खोले? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।